ये लग गया हमारा बिस्तरा और अब करेंगे सोने की तैयारी। मैं चादर नहीं लिया हूँ मैं, और मेरा दुपट्टा ही हमेशा लेके सोता है पहले से ही, आज से नहीं बचपन से, हमेशा मेरे सिर के पास से दुपट्टा इसके पास ही पाऊंगा। खुशबू मिला है भाई तुझे इसमें से मम्मी की? ना। जब ये छोटा था ना तो मैं काम कर करूँ थी तो इसे मैं दुपट्टा उड़ा दू थी, और ये इसकी जो आदत है अब तक बदली नहीं। देखो नू कह रहा मुझे, मम्मी आपका दुपट्टा तो भारी है। और ऊपर से मुंह पे क्या रखा करा था, क्या रखा करा था मुंह पे? ओन्नी। किसकी? मम्मी। हाँ ले भाई, मैंने कवर तो ला रखे इन तकियों के, वे भी लगाने याद नहीं रहे आज फिर। चल सुबह लगाऊंगे बस, अब तो सोवेंगे, 10 बज गए हैं। मम्मी हाँ, ये तकिए पे काले काले से लगे, बस इनमें फाइबर बता के दे रखे, ये धोखा कर रखा दुकान वाले ने हमारी साथ में, है ना? हाँ, एक बार मेरे जूतों में चूना लगा दिया। हाँ तेरे जूतों में चूना लगा दिया। लाइट कह रहे थे लाइट जली की, लाइट जली नहीं आज तक की, खराब दे दी। हाँ खराब हो गए थे वे पर कहते तो ना फाड़ दिया अपने जूते का, पैसे वसूल करे जूतों के। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए 7:30 और आज ये दिख रहे हैं आपको विदाउट यूनिफॉर्म। आज ये ज्वाइन करने वाले हैं नया स्कूल, जाएंगे ये गुड्डू के साथ में। हैं चिंकी आज जा रही है, चिंकी कल चली गई थी, तो न्यू सेशन इनका शुरू होने ही वाला है। आज इन्हें ट्रायल पे भेज रहे हैं। हैं भाई क्या क्या करोगे जाकर वहाँ पर बताओ? हाथी पे सर्कस में थोड़े जा रहे हैं। ये देखो कितने उत्साहित हैं, कोई हाथी पे बैठेगा, कोई क्रिकेट में पार्टिसिपेट करेगा। आरुषी तू काय में पार्टिसिपेट करेगी? इसके बाबूजी जी जी हमारे सागरदीप स्कूल में हिस्सा ले जाओ, कितने ही चीजों में हिस्सा ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, करवा देंगे। पर मैं पास में तो एक ही हिस्सा ले जाओ, ले जाओ दो। तो ये रेडी हैं भाई, और इनका खाना दाना जो है अभी पैक हो रहा है। रोटी चोखी सी रख लियो आज है, एक तो लंबा सफर है, भूख ज्यादा लग सकती है। कम से कम एक घंटे का सफर है। बैग में रख दे अलग अलग। तो गाइस यहाँ पर बन रहा है बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं आलू के पराठे, और सुबह से लगी हुई थी दीदी ने बच्चों को तैयार करा, बनने का नाश्ता तैयार करा, अभी नाश्ते इनको करा दिया, अब इनके टिफिन भी पैक हो गए, एक का रहेगा बस। और आप उसके एक्साइटमेंट देख गुड्डू, देखना इस तरह जाने की बोले अली तरी की तरह करा था घर जा उठ गए सारा ने कर लिया गुड्डू इन्होंने नाश्ता। हाँ जी, और एक एक फ्रूट्स और एक एक पराठा इनके लिए, क्योंकि ज्यादा तो ये खाते नहीं, वहां से आने में टाइम लगेगा स्कूल से, फर्स्ट डे है जैसा कि इनका। और हाँ ये पानी की बोतल नहीं लेके आया ना, कह रहा मुझे लड़कों वाली चाहिए, लड़कियों वाली नहीं चाहिए। उसे दे दे आरुषि के पास, एक पी लगाओ भाई जी, एक पी लगाओ। लड़कों वाली कैसी हो भाई, हैं लड़कों वाली कैसी हो, कहाँ आया वो भाई, लड़कों वाली कैसी हो, ऐसी तो बच्चों की बोतल आ जा। वहाँ क्लास में से नहीं निकलना उत्ता, चलो आ जाओ रख लो एक बोतल पे इन साइड में, फिर दूसरे कलर की ला दूंगी। इस टाइम टाइम वाली ला दे फिर। हाँ ले चलो मम्मी टाइम हो गया, चलो। हाँ आज चिंकी नहीं जा रही, आज यही जा रहे, और उसकी एक्साइटमेंट सबसे ज्यादा, सबसे आगे आगे चल रहा है। देखो रोड पे भी आराम से भागना नहीं, और नंदिनी भी बहुत खुश है आज नए स्कूल में जाने के लिए, और उसी भी देखो पापा खड़े वहीं पर, ताऊ जी भी वहीं खड़े। तो भाई आज जैसा कि न्यू स्कूल है इनके लिए, तो नई बस का इंतजार करते हुए गुड्डू ध्यान रखना इनका, सारों का है काम लेके आना भाई, स्कूल में काम लेके ही तो आते हैं। तो भाई अभी कर रहे हैं बस का वेट, अभी आई नहीं है, है? एडमिशन हो जाएगा, मैं कल जाऊंगा, ठीक है? कल जाओगी, आज बच्चों के। कल मैम साहब आई थी ना घर पे ही स्कूल से, मैंने उन्हें बोल दिया था कल बच्चे आएंगे, परसों मैं आऊंगा इनका एडमिशन कराने। आराम से चढ़ियो, तो नहीं नंदिनी
जैसे कि आज बच्चे गुड्डू के साथ में स्कूल में गए, छिंकी ने आज नागा कर दी, वो कह रही जब तक मेरा सिलेबस नहीं आएगा तब तक जो है मैं जाऊंगी नहीं, तो कल जो है इनकी ड्रेस सिलेबस जो भी चीज़ें हैं वो कल जो है आ जाएंगी। आज मेरी तबीयत में वो ठीक सा महसूस हो रहा मुझे, तो घर का काम वाम निपटा के फिर देखूंगी इनकी ड्रेस वगैरह और सिलेबस। और उसका तो बैग भी आएगा, उसका बैग भी ख़राब हो गया। अभी नाश्ता पानी सबका हो चुका है, बर्तन भी यहाँ से नीट एंड क्लीन कर दिए, चौकी वगैरह सब साफ कर दी, तो अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। अभी तक ना मतलब सुबह से लगी हुई नाश्ता बनाने में, देखो भाई टाइम लगता है नाश्ता सबके लिए जब बनता है, बच्चों के साथ साथ में फिर फैमिली का भी, नहीं तो फिर बीच में गैप हो जाता है तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं नहा के आऊँगी, फिर पूजा करूँगी और फिर जो है नाश्ता करके दवाइयाँ वगैरह लूँगी। तो इधर पिताजी ने धूप आने से पहले ही ना गेहूँ डाल दिया, देखो सुखान लग रही है उसे, और वहाँ पे झाड़ू लगा दी थी। और ये माई भी जा करेगी स्कूल में, अभी इसकी क्लास सजेस्ट नहीं हुई परेशान है अकेली। खैर आज चिंकी है इसके पास में, घर पे ही है चिंकी, वो कल से जाना शुरू करेगी, कल से या परसों। तो चलो भाई अब जो है हम भी लगते हैं अपने काम पे, किचन थोड़ा सा क्लीन किए बिना रह रहा, बर्तन हो जा तो फिर आसान हो जा किचन साफ़ करना, ऊपर बिस्तरे वगैरह। आज झाड़ू भी लगाऊंगी संगवाऊंगी, क्योंकि कई सारी रजाई जो है वो बाहर ही रखी हुई है, अभी तक वो संगवाई नहीं गई, और फिर जो है धूल मिट्टी भर जाएगी उनमें। नहीं तो अब ना धूल मिट्टी वाला मौसम तो शुरू हो ही गया, अब गेहूं कटाई होगी, खेतों की बुआई होगी, खुला घर है तो बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो जहाँ पैर भी रखे ना मैट पे जावे अंदर तो उस पर भी चमके सारी। कल तो थेरेपी करवाई थी माँ के, आज झाड़दास चीसरे और दवाइयों पे लगा दिया था थेरेपिस्ट ने बैन, दवाई किसी भी तरह की नहीं खानी, और अब जबाड़ा चीस रहा पूरा। पेन किलर देवेंगे ना फिर भी डॉक्टर, पेन किलर तो खानी पड़ेगी, माँ को फिगर हो रही इन को थेरेपी करवाने का क्या फायदा जब पेन किलर खानी पड़ेगी, देंगे तो भी झाड़दास चीसने वाले भी। अब दवाई तो हर मरज की जरूरी है, दवाई ना खावे तो वही बढ़िया है, काम चल जाएगा, लेकिन ये तो खानी पड़ेगी। टी शर्ट तो चेंज कर लो, इस पर तो देखो कितने छींटे लग रहे पेंट के। ठीक है ज्यादा दूर थोड़ा ही जाना, दूर ना जाना हो कोई वही मिल जावे, देखियो गंदी ही टी शर्ट पहन के चल दी जाना है नहीं इन पे कपड़े ठीक तो है, क्या बोरी आई ये बस, ठीक तो है बदल लो जाए, कहाँ भाग रही है। तो भाई यहाँ पर अभी मैंने पोछा लगाना शुरू कर दिया था, सबसे पहले पूजा वाले रूम में किया और थोड़ी सी डस्टिंग की वहाँ पर, क्योंकि कई दिन हो गए थे अच्छे से डीप क्लीनिंग किए हुए, और अब ना मैं इधर कमरे में लगा रही थी तो कई सारे जनों ने इधर बाल बाए होंगे, और वैसे तो प्रीति ने झाड़ू लगाई थी लेकिन वो अच्छे से झाड़ू में नहीं निकल पाते हैं, जब पोछा लगाते हैं तो पोछे में ही वो आते हैं निकल कर, बार बार मैं दूसरे हाथ से जो है सारे बाल उठा भी रही थी। आजकल के मौसम में हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कितनी भी अपने बालों की केयर कर लो लेकिन उसमें जो है दिक्कत होती है, पोछा तो लगाते टाइम इतनी जल्दी से सूख जाता है, बहुत जल्दी से वाइट फर्श है, टाइल्स में ज़्यादा गंदा दिखता ही है, बारीक बारीक सी धूल भी वाइट वाली नज़र आती है। तो चिंकी मुझे बता रही थी उधर भी मम्मी एक बाल है बहुत बड़ा, और हमारे सोफे तो बिल्कुल ये ख़राब ही हो चुके हैं, चूहों ने ख़राब कर दिए, कुछ बच्चों ने खुद काट के ऐसे ही कर रखे हैं, बाहर वाला ज़्यादा गंदा लगने लगा है, अभी करेंगे उसको भी चेंज लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। झाड़ू पोछा काम निपट गया, अभी खाना बनाने में तो टाइम है, बच्चे भी लेट आएंगे, अभी तक तो सबने नाश्ता करा, बच्चे समय में अपना कुछ वैसा काम कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा है, जैसे कपड़ों प्रेस करना, कपड़े संगवाने, कई दिन से कपड़े अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, और ये हल्दी पूरे एक साल तक मैं रख लेती, ये जो पुराने वाली है ना नहीं तो फिर ये गल जाती, तो माँ ने मुझे बोला था, और जो अब की बार लगाएंगे तो वो हम वहाँ पर लगाएंगे, इसमें ट्रे में नहीं लगाएंगे, ट्रे में तो कुछ वैसी सब्जी वगैरह लगा लेंगे, तो हल्दी टमाटर मिर्च नहीं लगाई अभी तक मैंने, बाकी चीज़ें लगाने की मेरी तैयारी है, जैसे जैसे मुझे पौध मिलती जाएगी इन सब चीज़ों की वैसे ही जो है मैं लगाती चली जाऊँगी मैं। तो अब मैंने उबालूंगी मट्ठा, में मट्ठा यानी कि लस्सी, जो इसके ये रेसे हैं ये सारे निकाल लें मुझे इसमें से, तभी ये साफ हो पाओगी। ये मैंने अद्धे निकाल दिए, अद्धे निकाल कुछ दिये? कुछ के जो मेरे बढ़िया पुल्ली वैसे पड़े। चलो भाई सभी निकाल देते हैं क्योंकि बढ़िया हो जाएगी है ना। ये नाका आई थी चाची जी, इन्हें वही कपड़े पहन लिए थे, पता तो इसे सारा है। अभी हम लोग सोच रहे थे कि अब हम क्या करें, मैंने सोचा चलो भाई कल ये हल्दी निकाली थी तो इससे जो है अपना अच्छे से यूज कर लेंगे, और अभी प्रीति भी चाकू लेकर आ रही थी, मैं प्रीति कुछ बात कर रहे थे, देखो जब कोई घटना अपने कहीं भी आसपास ऐसी घटती है दुख सबको होता है, ऐसा नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा उदास चेहरों को देखकर कोई कुछ भी अंदाज़ा लगा सकता है, मैं इस चीज़ को नेगेटिविटी नहीं कहूँगी, लेकिन घर में जो है मतलब माहौल ऐसा ही है उस दिन से जिस दिन से ये
घटना घटी थी तो कुछ भी ठीक सा नहीं लग रहा था, लेकिन काम तो सब लोग कर ही रहे हैं, अपने अपने काम को सब समझते हैं, जिम्मेदारियों का सब लोग लगे हुए हैं, जितना जिस पे होता है उतना वो कर लेता है, ऐसा भी नहीं है कि भाई एक बंदे के ऊपर ही बर्डन है, बच्चे भी हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें समझते हैं, हर तकलीफ माँ बाप की समझने लगे हैं, अभी बड़े हो रहे हैं, मतलब वही है, बस मन परेशान होता है सोच सोच कर। तो यहाँ पर हमने बस इसको जो है बात करते करते इसमें से निकाल दिया, किसी का छिलक उतार दिया था जो थोड़ी सी गली हुई थी, तो अंदर का पार्ट निकाल लिया था उसका, इतनी सी हल्दी निकली केवल ये इसमें से देखो, ये हमने काट दिया। अब इसमें पानी डाल लेंगे, थोड़ी सी लस्सी डाल लेंगे यानी कि मट्ठा, और इसे उबलने के लिए रखूंगी। अरे मैं ये सब कूड़ा है, इसमें से कुछ भागना, इसका गला हुआ निकल गया वो हमने अलग ही निकाल दिया, गली हुई का कुछ करना ही नहीं हमें। तो चलो भाई अब हरे में झीणा लगाते हैं, चप्पल स्लिप होगी दो बार, मैंने ना चिंगी की चप्पल पहन रखी है, इसे रख देते हैं उबलने के लिए। और थोड़ी सी वो जो माँ ने पहला करी थी ना उबाली थी वो भी सूख गई थी, बढ़िया और बढ़िया हल्दी निकली इसमें इतनी सारी, मतलब 100 ग्राम से तो ज़्यादा हो ही गई थी। और देखो हल्दी का कमाल पीले कर दिया आदमी मेरे एकदम। और ये तो चले गए डॉक्टर के, माँ को ले गए, माँ के जाड़दार चीज रही रात है, दिक्कत हो रही ज़्यादा। तो झीणा लगा दिया और इसमें पानी भी डाल दिया, अभी उसे ढक देंगे और ये पको जा गई सी लगने के बाद में। क्या हो गया पूछ रही, मैं तो हल्दी का रंग नहीं निकलता क्या, उबल के देखिए रंग बदल गई बिल्कुल। उसी रंग पा जाएगी अपने। तो यहाँ हल्दी के ज्ञाता जो हैं, हल्दी की जानकारी रखने वाले, हमें तो कम है ना, हल्दी और चंदन के गुणों के बारे में बता रहे हैं। मैं कुत्ते को बिस्कुट दूंगा। ठीक है चल दे दिए, जो तुझे देना हो वो दे, तेरी छूट है। और इधर अनाज सूख रहा है और उधर चक्के चल रही है पीछे की तरफ, साथ के साथ उसका आटा गाय के लिए, कृष्णा के लिए चने और गेहूँ पीस रहे क्योंकि उसे खुराक की जरूरत है अब। अच्छा हाँ, उसका प्रेगनेंसी टाइम है ना, तो गर्मी आने वाली है तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। इसका मस्त बैठा मसाला पीस रहा है, मसाला पीस रहा है, ये सब जाना है। देख चिंकी तुझे डरा दिया, चिंकी तुझे तो इसने इस मोहल्ले में रहे हैं अभी। वैसे तो ये देखो समझ गए हो, पूंछ हिलाने का मतलब है जाना है कि ये जानता है। भाई और दूसरा देखो ये इसका, ये शयन कक्ष बना रखा है इसने दीवार के नीचे है, ये आराम की मुद्रा में है पूरा। हाँ भाई हेलो, लंच टाइम। अरे देखो तो कल इतनी सारी रोटी लाई थी तो कल इस केले का वो लग गया था। हाँ। आज ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, तगड़ी इकट्ठी हो रखी है ऐसे। आओ चलो वहीं ले, चल वहीं। हाँ वहाँ साफ चल, तू भी आ गया, आला सारा आ गया है, कहाँ है बटरफ्लाई वारी हमारी गेर की तरफ। चलो अब तो बहुत बटरफ्लाई आवेंगे। चाचा जी मैंने कल पकड़ लिए, कल पकड़ ली थी। हाँ? अच्छा पकड़ते नहीं है बटरफ्लाई को, बहुत नाजुक हो बेटा ये। अरे आ जा आगे को सरक ले, देखो कितना थक गया, आ जा चलते हुए भी जोर पड़ रहा है इस पे तो। अच्छा इलाका गुलाब के फूल खुशबू कितनी अच्छी आ रही, कहाँ आ रही, यहाँ पे खड़े होके देखो पापा जी। हाँ ये गुलाब के फूल का सीजन है, ये मार्च में होता है अप्रैल में है? और ये है राजस्थानी अक्का शिव जी महाराज पे, इनके फूल हैं, फिर इनके फल बनेंगे और फिर इनका फल, इसका फल नहीं आता कुछ भी, बस इसका फूल ही खिले। ये है इनके फूल और फिर इन पे फल बनेंगे और ये सबर के फल एक दिन मीठे हो जाएंगे, मीठे हो जाएंगे। और ये शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है ना, ये बहुत उतावल हो रहा है, अब ज्यादा इंतजार न करते हुए देव इन्हें खालो डरो ना। वो बिस्कुटी खाएगा, ये रोटी भी खाऊंगी अभी, सब दिख रहा ना, ये बिस्कुट भी नहीं खा रहा, डर रहा है ये डर रहा है। देखिए ये बहुत हरामी है, ये दूसरे के हिस्से खावे, इसे मैं रोक रहा इधर, तो इधर लाज के लिए ले, देखिए भाग क्या होगा एकदम अपना, ये पहले तो नहीं करे अपना छोड़ छाड़ के। इसकी स्पीड भी कुछ ज्यादा ही खाने की, उसकी भी थोड़ी है इसके मुकाबले, तो इसे तो प्रैक्टिस कर करके बढ़ा रखी स्पीड खाने की। छिंकी पापा जी ये दोनों ना एक दिन से दबोच रहे थे, फिर मैंने भगाया था, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कमजोर पर जोर चलाते हो, रोटी खा लो जब बची उसे बिस्किट का स्वाद पसंद आ गया, वो रोटी छोड़ दी उसने,
इसने भी छोड़ दी। ए, वो भाग गया। देख उसको, ओए ओए, वो डरावा के पूछ नीचे हटो, हटो यहाँ नहीं आना, चल पीछे बोले रोटी खा ले, ले ले चल तो खा ले, आ जा। देखो डर के भाग गया वहाँ पे अपने बिस्किट छोड़ के, उसकी निगाह है ना। डस्टबिन में ही डालना चाहिए, देखो डस्टबिन है हमारा, इसमें कूड़ा एकत्र करते हैं हम, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, हर तरह का कूड़ा, सब जगह का कूड़ा, गीला नहीं डालते इसमें, सूखा ही डालते हैं। चिंकी दोपहर हो रही है, अब पौधों को देखना मना है, ये उधर चली गई है, वो शाम को देखेंगे जब पानी लगावेंगे ना उनमें। बिल्कुल भी ले गया था मैं माँ को अभी बुढ़ाना, और इसका साइलेंसर थोड़ा गर्म था इसलिए इस पर कवर नहीं डाला, कवर अप करके रखता हूँ मैं इसको यहाँ भी, मैं नहीं जिसका भी टाइम लगे वही डाल दें। और ये रूम अभी ऐसा ही पड़ा है भाई, जब ये तैयार हो जाएगा तो इसकी कल्पना कर रहे हैं हम, इसे बहुत सुंदर सा डेकोरेट करेंगे, एल टाइप का वो डालेंगे, सोफा डालेंगे, दीवान डालेंगे, इधर एलईडी लगाऊंगे, बस इतना ही रखना है, और कुछ नहीं रखना। अच्छा, मुड्डे बार उसमें गैलरी में, और चार पाँच चार बार। क्या बात, क्या बात, ये तो मेरी कल्पनाओं से भी परे है। यहाँ से एल साइज का लगाऊंगे। अच्छा, सोफा नया होगा। तो गाइज आज जो है मुझे भी इनके कपड़े गर्म वाले अभी तक नहीं रखे गए गुड्डू के पापा के, और ये बैग मैं लेके आ गई थी नीचे ही, तो इसमें इनके गर्म कपड़े रखने हैं, और ठंडे कपड़े यानी कि टी शर्ट्स वगैरह जो भी कुछ है वे इसमें से निकालनी है, इनके इसमें ही आ जाते हैं सारे कपड़े, जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैंने बॉक्स में रख दिए थे। और छोटे बच्चों के लिए ड्रेस मुझे ढूंढनी पड़ेगी, एक जोड़ी तो मिल गई जो हाउस ड्रेस है, बाकी के लिए भी हो ही जाएगा, और जिसकी नई साइज आएगा उसको जो है नई दिलवा देंगे, क्योंकि जब हमारे पास में पहली रखी, और ये ड्रेस ऐसी तो है नहीं कि भाई जल्दी से फट जा या खराब हो जा, ये इतनी मजबूत हो गया, कई कई साल तक चल जा, सर्दियों की भी और गर्मियों की भी। आज सोच रही कुछ कपड़ों पर, जैसे कि आज हमने कपड़े नहीं धोए, प्रेस कर लेंगे, और आज तो मेरा इंजेक्शन भी नहीं लगा, तीसरे दिन वाला शाम को लगवाना पड़ेगा, सुबह भूल गई थी, आज नाश्ता नहीं करा था ना उस टाइम तक, जिस टाइम तक डॉक्टर साहब थे घर पर। तो चलो भाई अब जो है चलते हैं हम ऊपर, और दोनों जो है इतनी परेशान है, ये बहुत ज्यादा परेशान है, इनका टाइम पास होना भारी हो रहा। क्या बना माने लंच पे? लपसी है या दूध वाली? माँ के जाड़दांत चीज रे इसलिए बनाई होगी, दूध गेर लेते, दूध तो बहुत सारा रखा था लुटिया में भी, नू गहरी मिठा भी तो लगे है जाड़दांत में, सूजी रखी बतेरी। अच्छा, इनकी नीचे की जड़े दिक्कत कर रही होंगी ज्यादा, में चीस रही। तो ये बना दी मान है सबके लिए लपसी, आज लंच में चलेगी यही, बच्चों की पसंद है, सूजी की हलवे की तरह की बननी है। बिल्लू कैसी लगी खाने में? बढ़िया लग रही, बहुत दिनों बाद खाई होगी। माँ तो कारीगर है हलवे की, हलवे की कारीगर है, लपसी की हलवे की है। हाँ। तो अभी मैं आ गई थी ऊपर थोड़ा सा अपना काम करने के लिए, और माँ और ये भी आ गए थे, और अभी वे गए हैं घेर में किसी काम के लिए, गुड्डू के पापा। माँ आराम कर रही है, प्रीति दोपहर का लंच तैयार कर रही है, जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी। खुश रहिए और अपनों का ध्यान रखिए, और अपना भी ध्यान रखिए।